तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मार्वल और डीसी यूनिवर्स के कुछ पावरफुल कैरेक्टर के बैटल कंपैरिजन के बारे में। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो पर एक लाइक। तो चलिए बात करते हैं बैटल कंपैरिजन कैरेक्टर्स के बारे में, एबिनिमोव वर्सेस वंडर वुमन और मैग्नेटो वर्सेस थोर। तो सबसे पहले बात करते हैं एबिनिमोव वर्सेस वंडर वुमन के फाइट के बारे में। तो एबिनिमोव ने अपनी टेलीकिनेटिक पावर्स का यूज करके थोर को बड़ी आसानी से बंदी बना लिया था, क्योंकि थोर इतना पावरफुल कैरेक्टर था और यहाँ पर इसने तो डॉक्टर स्ट्रेन को भी नहीं छोड़ा। ये काफी ज्यादा इंटेलिजेंट भी है, अपने पार्टिकल तक को भी रिफ्लेक्ट कर दिया था जिससे थानोस के आर्मी टाइम ट्रेवल कर पाए थे। वही वंडर वुमन की बात करें तो ये ज्यूस की बेटी है जिसे कई हजार सालों का बैटल एक्सपीरियंस है। इसके पास एक और पावर है टॉक ऑफ ट्रूथ, जिससे वो किसी के मुंह से कोई भी बात निकलवा सकती है, ये सम्मोहित भी कर सकती है। और अगर जब भी इन दोनों का बैटल होता है तो एबिनिमोव कुछ टाइम तक उसके सामने टिक सकता है, और अगर वंडर वुमन अपने इस पावर्स को यूज कर ले तो यह एबिनिमोव कुछ नहीं कर सकता है। और यहाँ पर इस बैटल का विनर वंडर वुमन ही होने वाले। और अब बात करते हैं मैग्नेटो वर्सेस थोर की। तो मैग्नेटो एक्समैन यूनिवर्स का मोस्ट पावरफुल हीरो या फिर विलन है, जिसने लगभग कई कैरेक्टर को हराया हुआ है। इसके पास मेटलिक सब्सटेंस को कंट्रोल और मैनिपुलेट करने की पावर्स है, जो बड़ी ही आसानी से किसी भी मेटल को तोड़ सकता है। और वही थोर एक गॉड ऑफ थंडर है जिसके पास फ्लाइंग लाइटनिंग और जिसे कई एबिलिटीज है। इसके पास दो पावरफुल वेपन है म्यूलर और स्टॉर्म ब्रेकर, जो कि उरू मेटल से बना हुआ है, क्योंकि मैग्नेटो इसे कंट्रोल नहीं कर सकता है। और किसी तरीके से ये कंट्रोल भी कर ले फिर भी वो थोर को कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि पहले थोर को लगता था किसी भी वेपन के बिना कुछ भी नहीं है, लेकिन अब उसे पता चल गया कि वो किसी वेपन के बिना भी काफी ज्यादा पावरफुल है, उसे कोई भी वेपन की आवश्यकता नहीं है और वो अपने लाइटनिंग की पावर से ही मैग्नेटो को बड़े आसानी से हरा सकता है। और यहाँ पर थोर ही विनर होने वाला है।